नमस्कार दोस्तों, एक एंटिक मॉडल मिल गया हमें 495। दोस्तों ये 3 सिलेंडर का 57 इंजन वाला महिंद्रा ट्रैक्टर है और इसकी आवाज़ भी सुनवाएंगे। यू देखनी है आवाज़, उस दिन तो आवाज़ रह गई थी एक बार पहले बनाई थी कि इसमें मेसी वाली आवाज़ है, स्वराज वाली या महिंद्रा वाली। तो इसका जो फ्रंट एक्सल है वो भी एडजस्टेबल है और हैवी ड्यूटी है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लो है, ये हैवी ड्यूटी है। और ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा है वो काफ़ी मजबूत है, ये बड़े वाला है इसमें, देख सकते हो आप, पीछे पहले आता था ये महिंद्रा में इंटर में, तो वो हिस्सा है ये इसका जॉइंट है यहाँ से। और ये 57 इंजन की पहचान है, इसकी क्रैंक थोड़ी सी बड़ी होती है। और साथ में बात करूँ इसके गेयर की, तो 4 गेयर वाला है ये, 4 आगे के 2 पीछे के। गेयर बक्सा वही है, पूरी हाइड्रोलिक जो मेसी वाली है, एक छोटा लीवर दे देते थे पहले, इसमें एक बड़ा आता था। रेस है ये, इसका हाथ का हैंडल है और मरघाटो की मजबूती काफ़ी ज़्यादा है ट्रैक्टर की, 13-6-28 के टायर के साथ में। तो ये जी कितनी हॉर्स पावर में, 48 हॉर्स पावर में ये ट्रैक्टर है, 90-91 का मॉडल है। तो दूसरी साइड से रिव्यू करते हैं ट्रैक्टर का, दोस्तों कैसा लगेगा ये देखने के बाद में पता करेंगे। तो दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है और फ्रंट एक्सल इसका वही है, तो इसका जो टंकी में से तेल वगैरह निकल जाओ उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी 13 के टायर में बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। कंपनी ने इसमें 13 के तो दिए नहीं होंगे, 13 के दिए थे क्योंकि इसमें टायर 13 के ही आए थे साथ शुरू से ही। तो एक बात बताओ, जैसे इसे तुम चला रहे, कोई अगर छोटा किसान लेना चाहे ट्रैक्टर को, तो क्या आप सलाह देना चाहोगे? छोटा ले लो या बड़ा है तो सबके लिए गजब ही है, जो हाथ आ जा बढ़िया बिना टूटा फूटा। तो दोस्तों इसमें देखो मरघाट में वो दिया तो टूल बहुत ही बढ़िया, तो रूटर भी चलाया जी इससे, कभी जोर का रख दे जी, तो चलाया रूटर खूब जोर का, तो गन्ने वन्ने जैसे लेकर कोई दिक्कत नहीं आती? बस गजब ही गजब है और क्या कुछ। अच्छा जी, चलो गजब ही बताया जी, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर, धन्यवाद दोस्तों।